इसकी और एक खासियत है, वो मतलब क्या, इसको हमने लॉक दिया यहाँ पे ट्रिगर को लॉक करने के लिए, देखिए ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। आपको जब इसको निकालना है तो ये क्लिप पीछे कीजिए, ये निकल जाएगा। और ये पंप की एक विशेषता है कि देखिए अभी हमने मोटर बंद नहीं की है, बटन चालू है, सिर्फ ट्रिगर जब दबा रहे तो ये चालू हो रहा है। इसको ऑटो कट ऑफ बोलते हैं। तो जैसे बैक प्रेशर बढ़ रहा है वैसे मोटर पे लोड आ रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लोड ज़्यादा आएगा तो ऑटो कट ऑफ कट हो जाएगा और आपकी मोटर भी सिक्योर रहेगी। सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। हमने आपको हीरा गोल्ड के बारे में इसके पहले 5 से 6 वीडियो दी थी कि ये पंप क्या है, ये पंप कैसे काम करता है। तो वही वीडियो के कमेंट में कई किसान भाइयों ने एक कमेंट कॉमनली डाली थी कि इसका वर्किंग दिखाओ, और यही चीज़ को दिखाने के लिए आज का वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आज हम आपको ये पंप के बारे में या जो छिड़काव करने वाला पंप है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो ये जो हीरा गोल्ड स्प्रे पंप है ये बहुत अच्छा पंप है। इसमें हमने क्या किया है कि एक तो ये जो बॉडी है पंप की ये हेवी है, और जो नॉर्मल पंप आता है उसका स्क्वेयर बॉडी रहता है, इसका राउंड बॉडी है। प्लस जो नॉर्मल पंप रहता है उसका जो बॉडी रहता है वो पॉलीप्रोपीरिन पीपी मटेरियल से बना रहता है, ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। और ये जो बॉडी है ये HDPE मतलब जिस प्लास्टिक मटेरियल से आपका कारा रंग का जो हेवी पाइप रहता है HDPE पाइप बोलते हैं, वो मटेरियल से ये बनाया है। तो उसके वजह से ये टंकी आपको ज़्यादा साथ देगी। प्लस ये नीचे इसको एस्ट्रॉ स्कर्ट दिया है, क्योंकि पंप जब कभी भी ज़मीन पे रखा जाता है तो ये एरिया ही ज़मीन के संपर्क में आता है, तो यहाँ पे एस्ट्रॉ प्रोटेक्शन होने से आपको ये पंप की लाइफ ज़्यादा मिलती है। प्लस इसमें जो ये नली यूज़ की हमने, इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, ये ब्रेडेड पाइप इस्तेमाल किया है। मतलब आपने देखा होगा कई पंप में ये काले रंग की सादी सॉफ्ट नली यूज़ की रहती है, लेकिन इसमें ये हेवी नली है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमने प्लास्टिक की जगह ब्रास के नोजल लगवाए हैं। यहाँ पे भी ब्रास का नोजल है, इधर लांस में भी देखिए आप, यहाँ ब्रास का नोजल है, यहाँ पे है। और ये हो गया डिलीवरी ट्यूब। इसके बाद जो ये आता है इसको ट्रिगर बोलते हैं। तो ये ट्रिगर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा हार्ड होगा तो दबा दबा के किसान भाइयों को दिक्कत होता है। तो ये सॉफ्ट ट्रिगर है। प्लस ये जो चीज़ है इसको लांस बोलते हैं, और ये लांस टेरिस्कोपिक लांस है, मतलब यहाँ से खोलने के बाद आप इसको बढ़ा सकते हो। ये देखिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसके लिए ये टेलीस्कोपिक है। प्लस ये बेंडेड है, ये एंगल होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाते हैं और ये लांस अगर सीधी रही तो आपको ऐसा छिड़काव करना पड़ता है, तो जो पेड़ के ऊपर से छिड़काव करना है वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये बेंडेड होने से आपको ऊपर से भी छिड़काव करने में काफ़ी आसानी रहती है। और इसके साथ हमने ये बड़ा नोजल दिया है, और इसके साथ कुछ छोटे नोजल भी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जैसा किसान भाइयों को ज़रूरत है वैसा वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये 3 नोजल हमने इसके साथ दिए हैं, एक 2 मुंह वाला, एक 4 होल वाला, और एक ये छोटा 1 होल वाला। और इसी के साथ एक हाईजेट गन भी हम आपको देते हैं, इसको हाईजेट गन बोलते हैं। ये गन नॉर्मली जो पावर पंप रहते हैं, मतलब ऐसे पंप जिसमें पेट्रोल इंजन लगा है, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, उसके साथ ही ये गन दी जाती है। ये पंप के साथ हम ही देते हैं, क्योंकि ये पंप की विशेषता ऐसी है कि इसमें 2 मोटर है, उसके वजह से मतलब आपको जो साधारण बैटरी पंप आता है, अगर आपको उतना ही परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1 मोटर चालू कीजिए, आपको बैटरी पे चलने वाला वैसा मिलेगा। अगर आपको कोई बड़ा पौधा है, आपका बड़ा पेड़ है, या आपका जो भी मतलब खेत में ज़्यादा कोई कीड़े आ गए, ज़्यादा आपको तेज़ी से छिड़काव करना है, या बहुत बार क्या होता है कि किसान भाई जब छिड़काव करता है तो सामने से छिड़काव करता है और जो कीड़े या जो दिक्कत वाली चीज़ें वो पौधे के पीछे से या जो पत्तियाँ होती है उसके पीछे से जाके रुकती है, तो ये पंप से वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है।
या जिनके पास कोई फल झाड़ है, मतलब मैंगो, चिक्कू, भाई जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको स्प्रे करने के लिए भी ये पंप आसानी रहती है। तो ये हाईजेट गन है। हाईजेट गन यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जितना आप खोलेंगे उतना इसका प्रेशर बढ़ेगा, जितना ये टाइट करेंगे उतना इसका प्रेशर कम होगा। तो ये हाईजेट गन है। इसी के साथ इसको एक चार्जर दिया रहता है, हेवी वाला चार्जर, बैटरी चार्ज करने को यूज़ किया थे। इसके साथ और एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी आता है, लाइट आता है, जो ये पंप के बैटरी पे ही चलता है। इसको अगर आप वो लगवाएंगे तो वो चलेगा। एक ये जाली है, ये ऊपर लगवानी रहती है कि भाई कोई जब पानी डालेंगे तो गंदगी अंदर ना जाए। ये इसका कैप है। इसके टूल किट में ऐसे कुछ वाइशर हमने दिए रहते हैं कि जो आपको बाद में काम आएंगे। एक इसमें और कुछ चीज़ें आती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये मास्क, हैंड ग्लोव्स और ये दवाई मोलने का कप। इसकी और एक खासियत ऐसी है कि इसको रेगुलेटर भी दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि आप जब एक मोटर चालू करेंगे ना तो आपका रेगुलेटर काम नहीं करता है, लेकिन आप दो मोटर चालू करेंगे तो दूसरी मोटर आपके रेगुलेटर पे काम करती है। तो ये रेगुलेटर है। जैसे आप घर में जो फैन रहता है, पंखा रहता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वैसा इधर सुविधा है। एक मोटर के लिए एक बटन है, दूसरे मोटर के लिए दूसरी बटन है, चार्जिंग के लिए पोर्ट है, और जो लाइट हम आपको देने वाले हैं वो इसके अंदर ही लगवाना रहता है, जिसके वजह से आपको वो रात को या कभी आपके गांव में लाइट नहीं है तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम आपको लाइट भी दिखाएंगे। देखिए, हमने लाइट भी मंगवा लिया था आपके और दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये ऐसा लाइट आता है। तो ये लाइट को सिर्फ करना ये रहता है कि ये जो चार्जिंग पोर्ट है इसमें आपको ये डालना रहता है। ये अभी दिन के उजाले में दिख नहीं रहा है शायद, लेकिन ये चलता है। आपको बहुत बार कैसा होता है कि रात को आपके खेत में या आपके घर में लाइट नहीं रहती है, तो ये ऐसा लाइट आप लगवा सकते हो, या रात को कहीं आपको इमरजेंसी काम पड़ी तो यही बैटरी के ऊपर आप ये लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये लाइट देने के पीछे हमारा सबसे अच्छा मकसद क्या है कि भाई कोई भी बैटरी पंप ले लो, इसमें ड्राई बैटरी है, मतलब इसमें जो बैटरी लगवाई है वो बैटरी अगर आपने पंप इस्तेमाल में रखा, यूज़ करते रहे, तो आपको 2 साल चलेगी। लेकिन अगर आपने पंप ऐसा रख दिया 15 दिन 20 दिन महीना भर, तो फिर वो बैटरी ख़राब हो जाती है। फिर बदलने के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे किसान भाई कमेंट में हमको ये पूछते हैं कि इसका बैटरी कैसा है, रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और बैटरी का लाइफ कितना है तो हम बोलेंगे 2 साल, लेकिन कौन से कंडीशन में, कि बैटरी का हर हफ्ते आपका चार्ज होना चाहिए और हर हफ्ते डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर आप रख देंगे महीना भर पंप और आगे फिर आप उसको चार्ज करने जाएंगे या इस्तेमाल करने जाएंगे तो आपका बैटरी चालू नहीं होगा। और ये दिक्कत आपको सारी बैटरियों में आती है। आपने आपके टू व्हीलर में भी ये दिक्कत का सामना किया होगा। तो उसके ऊपर ये सोल्यूशन है कि भाई हफ्ते में एक बार अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है पंप, तो आप इसको चार्ज कीजिए, ऐसा लगवा के छोड़ दीजिए। एक बार ये डिस्चार्ज हो जाएगा इसके वजह से, फिर इसको रख दीजिए या चार्ज करके फिर से रख दीजिए, अगले हफ्ते फिर से यही बल्ब का इस्तेमाल करके आप डिस्चार्ज करवा लीजिए, तो आपका जो बैटरी है उसका लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा देखिए, इसको हमने एक एक्स्ट्रा कुशन दिया है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को ये आसानी रहती है। इसके जो बेल्ट है वो मोटे है, आसान, मतलब अच्छे है क्वालिटी से। इसको जो हुक दिया है वो बहुत सारे पंप में क्या है कि प्लास्टिक के हुक दिए रहते, हमने यहाँ पे GI के हुक दिए। तो अभी चालू करते हैं, आपको हम चालू करके दिखाएंगे। तो चलिए, मैं आपको अभी ये चालू करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं एक मोटर चालू करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप इधर से आ जाइए, थोड़ा इधर दिखाना आसानी रहेगी मुझे। ये देखिए, ये अभी एक ही मोटर चालू इसकी, और आप इस तरीके से इसको छिड़काव कर सकते हो। मैं थोड़ा ऐसा भी दिखाऊंगा कि कैमरा में आपको दिखे।
और इसकी और एक खासियत है, वो मतलब क्या, इसको हमने लॉक दिया है यहाँ पे ट्रिगर को लॉक करने के लिए। देखिए ऑटोमेटिक लॉक हो गया है, आपको जब इसको निकालना है तो ये क्लिप पीछे कीजिए, ये निकल जाएगा। और ये पंप की एक विशेषता है कि देखिए अभी हमने मोटर बंद नहीं की है, बटन चालू है, सिर्फ ट्रिगर जब दबा रहे तो ये चालू हो रहा है, इसको ऑटो कट ऑफ बोलते हैं। तो ये पंप में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम ये ट्रिगर छोड़ भी देंगे तो मोटर चालू रहेगी और आपके मोटर पे दबाव आता रहेगा, आपकी मोटर कमज़ोर होगी, उसी के साथ आपका बैटरी ख़त्म होती रहेगी, आपकी बैटरी की आयु कम होती रहेगी और जो बैकअप आपको दिन भर चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये ऑटो कट ऑफ, देखिए अभी मोटर चालू है, हमने ट्रिगर छोड़ दिया तो पंप बंद है, जैसे ट्रिगर दबाएंगे पंप चालू हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला ऑटो कट ऑफ है, तो देखिए ट्रिगर छोड़ा है तो ये अभी रुक गया है, अभी जैसे मैं ट्रिगर दबाऊंगा ये चालू हो जाता है। देखिए ये बहुत, मतलब आपको काम करने में इससे आसानी रहेगी, अच्छा प्रेशर इससे मिलता है। हम आपको सिर्फ, देखिए अभी मैं दूसरा नोजल आपको लगवा के दिखाता हूँ, ये बड़ा हो गया। इसके साथ और एक खासियत हमने दी है, वो खासियत मतलब क्या कि मार्केट में ये जो नोजल आते हैं ना, ये बहुत सारे तरीके के आते हैं, तो हर एक नोजल आपके पंप को बैठना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आपके गांव में जो नोजल मिल रहा है वो ये पंप को नहीं बैठता है। तो इसके लिए ये एडप्टर हमने दिया है कि भाई ये एडप्टर अगर आप निकाल लेंगे तो नीचे जो चूड़ी है वो अलग है, मतलब आपको दो तरीके से प्रोविज़न मिलती है कि अगर आपके तरफ अलग तरीके के नोजल मिल रहे हैं तो वो अंदर बैठेंगे, अगर ये साइज़ के मिल रहे तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अभी ये दो मुँह वाला लगवा के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो टेलीस्कोपिक लांस है उसका फ़ायदा भी दिखाता हूँ कि देखिए इसको हम बड़ा करते हैं अभी, ये देखिए ये अभी बड़ा हो गया, काम करने में आसानी रहेगी। अभी भी पंप चालू है, मोटर चालू है, लेकिन वो बंद हो चुकी है क्योंकि ये ऑटो कट ऑफ है। तो देखिए अभी ये बड़ी साइज में हो गया, तो ये दो मुंह वाला आपको दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है क्या आपको, तो ये ऑटो कट ऑफ वाला जो फंक्शन है वो बहुत ज़रूरी है कि देखिए मैं जैसे ट्रिगर छोड़ देता हूँ वैसे पंप बंद हो जाना चाहिए, पूरा बंद हो जाता है। इससे आपकी बैटरी भी टिकती है, आपकी मोटर भी अच्छे से टिकती है, आपको लाइफ मिलती है पंप की। तो अभी दूसरा नोजल लगवा के दिखाता हूँ आपको, अभी ये चार होल वाला नोजल है, अभी देखिए अगर आपको आवाज़ आती होंगी ना तो पंप थोड़ा सा झटका मार रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका पंप मोटर ज़्यादा पानी मार रही है और आपने छोटा प्रेशर लगवाया है, छोटा नोजल लगवाया है तो प्रेशर उसमें नहीं आ रहा है और पीछे मोटर पे दबाव आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रेगुलेटर थोड़ा कम कर देना है। ये देखिए अभी मैंने रेगुलेटर कम कर दिया, अभी मैं रेगुलेटर बढ़ाऊँगा तो देखिए, ये इसका मतलब है कि आपको रेगुलेटर कम कर देना है, ये रेगुलेटर का इस्तेमाल ऐसे होता है। मैं भी आपको अगला नोजल लगवा के दिखाता हूँ, ये एक होल वाला नोजल है, मतलब खरपतवार निकालने के लिए जो हर्बिसाइड अपन बोलते हैं, जो तननाशक मराठी में बोलते हैं हम, उसका इस्तेमाल करना है तो बड़ा फ्लो नहीं चलता है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पे लीक है, तो ऐसा होता है तो सिर्फ आपको ये नोजल निकाल के वापस अच्छे से फिट करना है, अंदर जो वाइसर है वो आपका थोड़ा सा जगह पे नहीं होगा, इसके वजह से ये ऐसा होता है या ढीला होगा। ये अभी हम डेमो दिखा रहे हैं तो हम टाइट नहीं कर रहे उसको, ठीक है,
अभी आपको प्रेशर और कम करना पड़ेगा रेगुलेटर के माध्यम से। ये जो बूंद बूंद गिर रही है, ये अगर आप अच्छे से उधर कस देंगे, अभी ये डेमो इसके लिए हम नहीं कस रहे, तो ये भी बंद हो जाएगी। अभी हम आपको जो हाईजेट गन है उसका इस्तेमाल दिखाएंगे। निकालिए भैया, ये लगवाइए। ये इन्होंने पानी ऐसा क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसमें ऑटो कट ऑफ है। अगर वो नहीं निकालते या मोटर बंद नहीं करते तो यहाँ से पानी चालू हो जाता। अभी जब आपको बड़े पौधे, ऊंचे पौधे या आपको तेजी से काम करना है, आपको आपका जो भी पौधे है वो ज़्यादा संख्या में मौजूद है, तो उस कंडीशन में आपको इसका इस्तेमाल करना है। अभी तक हमने आपको एक ही मोटर चालू करके दिखाई थी, अभी इसमें हम आपको दोनों मोटर चालू करके दिखाएंगे। देखिए, हम आपको इस तरफ से दिखाएंगे, मतलब आपको आसानी रहेगी समझने में। देखिए, मतलब कम से कम 10 12 15 फीट तक तो जा ही रहा है। और इसको अभी इधर जो सेटिंग है उससे क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। देखिए, हम इसको अभी बंद कर रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा कम होगा। ये देखिए, ये भी बंद हो गया। अभी मैं दूसरी जो मोटर है वो भी आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मोटर अभी प्रेशर आ रहा है तो वो रुक रही है। अभी देखिए, आप जमीन पे देख सकते हो कि इसका फवारा कैसा है। वहां पे थोड़ी सूखी जगह है तो मैं वहां पे आपको गिरा करके दिखाऊंगा अभी कि भाई फवारा कैसे है इसका। ये देखिए, अभी इसमें जो रेगुलेटर लगवाया है उसको भी हम कम ज्यादा करके दिखाएंगे आपको। ये अभी फुल रेगुलेटर पे। हाईजेट गन का जब इस्तेमाल करना है तब आपको यहां से भी सुविधा मिल जाती है कम ज्यादा करने की। अभी दो मोटर चालू है, फुल प्रेशर है। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा बंद करूंगा, आप देखिए तो फवारे में कैसे चेंज आता है वो देखिए आप। मैं धीरे धीरे आपके लिए बंद करूंगा। ये देखिए, अभी आपको आवाज में बदलाव ध्यान में आता होगा, तो जैसे बैक प्रेशर बढ़ रहा है वैसे मोटर पे लोड आ रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लोड ज्यादा आएगा तो ऑटो कट ऑफ कट हो जाएगा और आपकी मोटर भी सिक्योर रहेगी। तो देखिए आप, अभी फुल प्रेशर कर दिया और मैं आपको ऊंचा भी उड़ा के दिखाता हूं। तो ये पंप में दो मोटर है और बैटरी भी बड़ी है। अगर एक बार आप ये पूरा चार्ज करते हो ये हो गया बंद।
अगर आप एक बार इसको चार्ज करते हो तो आप 25 से 28 टंकी, मतलब एक बार इसमें पूरा आपका केमिकल भरा, छिड़काव किया, ऐसा 25 से 28 बार कर पाएंगे। ये इसकी खासियत है। तो ये पंप अगर आपको ख़रीदना होगा या आपको और इसके बारे में कुछ सवाल होंगे तो आप हमारे कॉल सेंटर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो। उसका नंबर है 9984-0511-518, 9284-0511-518। और इसी के साथ ये चीज़ आप ऑनलाइन भी हमसे खरीद सकते हो। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट से जाना पड़ेगा। उसका एड्रेस है www.heraagro.com, HERAAGRO.com। इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का पूछिए। और ये वीडियो को और ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके फेसबुक ग्रुप है, उधर शेयर कीजिए। मतलब इसका फ़ायदा वो किसान भाइयों को भी होगा। धन्यवाद।